नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाष। दोस्तों, हाल ही में ICF चेन्नई से देश की पहली ऑरेंज वंदे भारत, जिसे आम बोलचाल की भाषा में भगवा वंदे भारत भी कहा जा रहा है, वो निकली है। दोस्तों, अब यहां पे इस ट्रेन के ICF से निकलने के बाद उम्मीदें लग रही थी कि इस ट्रेन को कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में ही चलाया जाएगा, क्योंकि वहां पे जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है। और जो भी नई वंदे भारत होगी आने वाले समय में, चाहे वो किसी भी कलर की हो और किसी भी टाइप की हो, यानी कि स्लीपर क्लास की हो या फिर किसी अन्य प्रकार की वंदे भारत हो, उनका जो पहला ट्रायल है वो साउथ इंडिया में ही होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे रेलवे ने चौंका दिया है सभी को और अनाउंस कर दी है कि देश की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली है ऑरेंज कलर की, वो चलेगी बिहार में। और इसकी घोषणा रेलवे के DRM ने स्वयं की है। दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे कि यहाँ पे ये कौन सी वंदे भारत होने वाली है, कहाँ से कहाँ तक के लिए चलेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके इस वंदे भारत एक्सप्रेस पे आपकी क्या राय है जरूर बताएं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे जानकारी की बात करें तो चक्रधरपुर रेल डिवीजन के DRM ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है कि हमारी रेलवे चलाने वाली है टाटा नगर से एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका इस्तेमाल बिहार के लोग भी कर पाएंगे। यदि हम यहाँ पे इस वंदे भारत की बात करें तो टाटा नगर से चलने के बाद ये ट्रेन बनारस तक जाएगी। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे इस ट्रेन के रूट की बात करें तो टाटा नगर से खुलने के बाद ये ट्रेन सबसे पहले पहुंचने वाली है पुरुलिया, उसके बाद गोमो, कोडरमा, गया, डेहरी ऑन सोन, भाभुआ रोड, सासाराम होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक जाएगी। उसके बाद ये ट्रेन वाराणसी तक चली जाएगी। ये ट्रेन कुल मिला के 573 किलोमीटर की दूरी कवर करने वाली है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 130 की होगी और पूरा का पूरा रेल रूट 130 के लायक भी हो चुका है, जिस कारण से ये ट्रेन मात्र 5.5 घंटे में 573 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होगी उसे कवर करेगी, यानी कि टाटा नगर से बनारस जाएगी और बनारस से वापस आएगी। दोस्तों, इस ट्रेन के चलने से बिहार में रेल कनेक्टिविटी काफी ज्यादा मजबूत होगी, यात्रियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। वैसे इस ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। अपना ही बिलिंग फटोक साथ, जय हिंद, जय भारत।